Hello students, welcome to our YouTube channel. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 24th of January 2020. हम चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज पेपर को डिस्कस करते हैं. इंडियन नेवी ने साइन किया एक MOU विद GSI, फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉर शेयरिंग ऑफशोर डाटा एंड प्रोडक्ट्स. मतलब कि इंडियन नेवी ने यहाँ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MOU बोल जाते हैं, एक तरह का पैक, एक तरह की डील साइन करी है विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शेयर करेगा सी बेड सेडिमेंट्स, मतलब कि जो समुद्र का सतह है वहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इंडियन नेवी के काम आ सके. जो GSA का मरीन एंड कोस्टल सर्वे डिवीजन है, जो कि बेस्ड है बेंगलुरु में, वो इंडिया के मोस्ट जो इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन है ओशन में, जो कि 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, उसको स्कैन कर चुके हैं. उनके पास सारा डाटा उससे रिलेटेड है जो अब इंडियन नेवी भी यूज़ कर पाएगी. यह हमको पता होना चाहिए, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया था 1851 में, हेडक्वार्टर्स है इसके कलकत्ता में और डायरेक्टर जनरल श्री SM मेसराम. नेक्स्ट, सेकेंड न्यूज, झारखंड के CM हेमंत सोरेन को ऑनर किया गया विद चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड. चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को ये अवार्ड मिला है, जो उन्होंने काम किया बहराइच और दुमका असेंबली में. तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने अवार्ड दिया झारखंड के CM को. ये एक छोटा सा फंक्शन हुआ था न्यू दिल्ली में, जहाँ अवार्ड दिया गया. जो दुमका सीट है, वहाँ से जो प्रेजेंट CM है वो इलेक्शन हार गए थे, पर जो रिसेंटली इलेक्शन हुए वहाँ पर उन्होंने अपनी जीत वापस करी और इस वजह से उनको ये अवार्ड मिला. जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है, ये एक इंडियन अवार्ड है जिसको दिया जाता है कि अगर आप गांधीयन वैल्यूज, स्वच्छता, कम्युनिटी सर्विस या ऐसा कोई भी काम करो जो कि पब्लिक से रिलेटेड हो. अगली चीज़, थर्ड न्यूज़, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है जायर बोल्सोनारा, वो रिपब्लिक डे परेड जो है उसके चीफ गेस्ट होंगे और वो इंडिया आएंगे 24th of January को एक 4 दिन विजिट के लिए. तो प्रेसिडेंट बोल्सोनारा चीफ गेस्ट होंगे 71st, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, 71st रिपब्लिक डे परेड, जो कि होगी राजपथ पे 26th of January 2020 को. उनके साथ एक पूरी डेलीगेशन आएगी जिसमें 7 मेजर मिनिस्टर्स होंगे, चेयरमैन ऑफ ब्राजील इंडिया फ्रेंडशिप ग्रुप, उसके अलावा सीनियर ऑफिशियल्स और काफ़ी बड़ी बिजनेस डेलीगेशन भी आएगी. प्रेजिडेंट बोल्सोनारा मिलेंगे प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद, इंडिया के प्रेजिडेंट को, 25th of January को, और प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद एक बैंकट भी होस्ट करेंगे प्रेजिडेंट बोल्सोनारा के लिए. आपको बताना चाहिए जो ब्राज़ील है उसकी कैपिटल है ब्रसीलिया. अगली चीज़, फोर्थ न्यूज़, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्टेड टू राइज बाय अराउंड 2.5 मिलियन. मतलब कि जब पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, वो आगे जाके बढ़ेंगे, ये बताया UN लेबर रिपोर्ट ने. तो जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्रोजेक्टेड है कि 2.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा बाय 2020. यहाँ एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि 1 मिलियन = 10 लाख. हम यहाँ पर मिलियन और बिलियन इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी कोई डाटा, जब भी कोई रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे आती है तो वो मिलियन और बिलियंस में होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO भी बोलते हैं, उन्होंने फोरकास्ट किया, मतलब उन्होंने ऐसा रिसर्च करी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो हर साल 5 मिलियन से बढ़ेगा. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका काम है सोशल जस्टिस, इसके अलावा काम करें इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स पे. ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो UN के अंदर बनी थी और अब तो काफ़ी सारी हैं, जैसे यूनिसेफ है, UNGA है, बहुत सारी. नेक्स्ट चीज़, फिफ्थ न्यूज़, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किए 14th रामनाथ गोयनका एक्सलेंस अवार्ड, जो कि जर्नलिज्म में दिए गए. तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने 14th रामनाथ गोयनका एक्सलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म प्रेजेंट किए. ये एक सेरेमनी थी न्यू दिल्ली में, जो कि 20th January को. रामनाथ गोयनका एक्सलेंस अवार्ड जो कि जर्नलिज्म में दिए गए, ये उन जर्नलिस्ट को दिए जाते हैं जो प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया या डिजिटल मीडिया से रिलेटेड होते हैं. और इनका एक छोटा सा मोटिव है कि ये अवार्ड दिए जाते हैं हु होल्ड देयर पेन फॉर ट्रूथ, मतलब कि जो बिल्कुल सच्ची न्यूज़ के लिए काम करते हैं, उनको ये अवार्ड देने की कोशिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगली चीज़, सिक्स न्यूज़, फ्रांस ट्रेन करेगा इंडियन फ्लाइट सर्जन्स को फॉर इसरोस गगनयान मिशन. मतलब कि जैसा आपको बताया, हमारी कंट्री का फर्स्ट मैंड मिशन है गगनयान, जिसको कि इसरो कंडक्ट करेगा. तो उस मिशन में हम क्या करेंगे, पहली बार ह्यूमन बींग्स को, इंडियंस को एक स्पेस क्राफ्ट में बिठा के उनको स्पेस में भेजेंगे. तो उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बॉडी में क्या चल रहा है, उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है स्पेस की कंडीशंस को, तो वो मॉनिटर करता है एक फ्लाइट सर्जन. तो जो इंडिया का जो मिशन है उसमें जो फ्लाइट सर्जन होंगे उनको ट्रेन करेगा फ्रांस, ताकि वो मॉनिटर कर सके जो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ. जो ये रिपोर्ट है ये बताती है कि 2 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी
इन सर्जन्स को, ताकि वो अच्छे से प्रोजेक्ट कर सके, अच्छे से वो स्टडी कर सके कि एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है स्पेस की जो वेरियस एनवायरनमेंट्स हैं। यहाँ आपको बताना चाहिए कि फ्रांस की अपनी खुद की कोई एक स्पेसिफाइड स्पेस एजेंसी नहीं, पर वो काम करते हैं विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का इस टाइम पे नाम है इमैनुअल मैक्रोन, इसकी कैपिटल है पेरिस। लास्ट न्यूज, सेवेंथ न्यूज, झारखंड का जरिया उसको डिक्लेयर किया गया मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, और दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसमें थोड़ी रिडक्शन देखी गई है, बताया गया रीसेंट ग्रीन पीस रिपोर्ट में। तो कोल ब्लीचिंग टाउन ऑफ जरिया जो कि झारखंड में, वो इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी उसको डिक्लेयर किया गया, और दिल्ली में यहाँ पर थोड़ा सा दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसमें कमी देखी गई। पहले दिल्ली टॉप 10 में 8th पे था, अब दिल्ली यहाँ पर 10th पोजीशन पे हो गया, 10th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गया दिल्ली। सेकंड रैंक की बात करें तो वो भी झारखंड की एक सिटी है जिसका नाम है धनबाद, बहुत फेमस है अपनी कोल माइंस के लिए, कोल रिजर्व्स के लिए। तो धनबाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे है पोल्यूशन में। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपने इस दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको अच्छे से समझा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो को रोज बनाता हूँ, कोशिश करें रेगुलरली इस वीडियो को देखने की, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।